हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ लेमन क्रीम, जो आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी एंड बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी आपकी स्किन वाइटनिंग के लिए। सो चलिए शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए होगा एक लेमन। सबसे पहले हम लेमन की पील एक्सट्रैक्ट कर लेंगे कुछ इस तरह ग्रेटर की हेल्प से। यह हमने पील एक्सट्रैक्ट कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब इसमें हम लेस देन वन टीस्पून ऑफ कॉर्नफ्लावर डालेंगे। सो गाइज, कॉर्नफ्लावर ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 टीस्पून ऑफ लेमन जूस। तो अब इसे ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि कोई भी लम्स या जंक्स ना हो। सो गाइज, अब इसे हम हीट करेंगे। हम इसे डायरेक्टली गैस पे हीट नहीं करेंगे, हम इसे डबल बॉयलर मेथड से हीट करेंगे। गाइज, कुछ इस तरह हम गर्म पानी के ऊपर हमारा कंटेनर रखेंगे एंड उसे अच्छे से स्टर कर लेंगे। हमें इसे कंटिन्यू स्टर करना है ताकि कोई भी लम्स ना हो। कुछ 4 या 5 मिनटों बाद ये अच्छे से क्रीमी फॉर्म में हो जाएगा, तो इसे हम स्ट्रेन कर लेंगे एक स्ट्रेनर की हेल्प से। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो लेमन एक्सट्रैक्ट है वो स्ट्रेन हो जाएगा। फिर इसमें हम 1 टीस्पून ऑफ आलमंड ऑयल ऐड करेंगे एंड इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद कोई भी एक कंटेनर में रख लेंगे। लेमन हमारे स्किन से एक्ने, डार्क स्पॉट्स और रिंकल्स जैसी प्रॉब्लम को हील करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। लेमन में काफ़ी ज़्यादा हाई रेशियो में एंटी ऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो हमारी स्किन को काफ़ी ज़्यादा डिटॉक्सीफाई करता है। आलमंड ऑयल हमारी स्किन को काफ़ी ज़्यादा हेल्दी बनाने में हेल्प करता है। ये हमारी स्किन से डेड स्किन सेल्स और इम्प्योरिटी दूर करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। इसमें हमने ऐड किया था कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर में होता है एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ प्रोटीन, जो हमारे कोलेजन को बूस्ट करता है एंड हमारे साइंस ऑफ एजिंग को प्रिवेंट करता है। ये हमारे डार्क स्पॉट्स और डार्क पैचेस को रिमूव करने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। ये क्रीम अप्लाई करने के कुछ 2 या 3 वीक्स बाद ही आपको फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा। सो गाइज, ये था मेरा आज का वीडियो। आई रियली होप आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो इस वीडियो के रिलेटेड तो आप कमेंट डाउन करके ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टिल द नेक्स्ट टाइम।